हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए बैंकॉक की फेमस स्ट्रीट फूड की रेसिपी लेकर आई हूँ। चॉकलेट बनाना क्रेप्स कहते हैं इसे। इसमें बनाना रहेगा, चॉकलेट का फ्लेवर रहेगा, पीनट बटर रहेगा, बहुत ही टेस्टी और यमी इसका लेयर बनेगा। और इसका सबसे नीचे का जो लेयर रहेगा बहुत ही ईजी, घर में अवेलेबल रहता है, उन्हीं चीज़ों से हम बनाएंगे। ये बच्चों की फेवरेट होने वाली है। घर में आप इसे इजीली बना के अपने बच्चों को दे सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर दें। इसको बनाने के लिए सबसे पहले जो सबसे नीचे का लेयर है उसका मैं आपको बैटर दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैंने एक कप चावल और आधा कप जैसा उड़द दाल ले लिया था। उसे रात भर मैंने सोक करने के लिए रख दिया था और सुबह मैंने उसे ग्राइंड कर लिया और एक से दो घंटे तक इसको मैंने फर्मेंटेशन के लिए रख दिया है। जैसे हम डोसा का बैटर बनाते हैं ना, सेम वही बैटर है और बहुत ही फ्लफ़ी हो जाता है जब इसका फर्मेंटेशन प्रोसेस हो जाता है। देखिए कितना लाइट और फ्लफ़ी हो गया है ये। इसमें मैं अभी थोड़ा सा नमक मिला दूँगी और इसका हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए नॉनस्टिक तवा लिया है मैंने, उसमें थोड़ा सा तेल मैं इसमें ड्रिजल कर दूंगी। और तवा एकदम ही गर्म होना चाहिए, फुल आंच में मैंने रखा है। इसके बाद मैं इसमें एक से दो बूंद पानी लूंगी हाथ में और इसे इस तरीके से छिड़क दूंगी। तो इससे क्या होगा, हमारा पैन एकदम ही रेडी हो जाएगा और क्लीन हो जाएगा और हम जो इसके ऊपर बैटर डालेंगे वो बिल्कुल भी स्टिक नहीं होगा। इसी तरीके से हमें करना है। और अब मैं इसका फ्लेम लो कर दूंगी एकदम ही, क्योंकि हम अब बैटर इसमें डालने वाले हैं और अगर फ्लेम हाई रहेगा तो हमारा तुरंत बैटर पक जाएगा और कच्चा रह जाएगा। नेक्स्ट मैं इसमें बैटर डाल दे रही हूँ और हल्के हाथों से हमें इसे इस तरीके से स्प्रेड करना है। जिस तरीके से आप डोसा बनाते हैं ना, सेम वैसी हमें पतला इसका लेयर बनाना है, तभी ये क्रेप कहलाएगा, एकदम ही पतला पेपर जैसा। तो इसके बाद मैं थोड़ा सा ऑयल ऊपर से ड्रिजल कर दूंगी। साथ ही साथ हम क्या करेंगे, जो हमारा फ्लेम रहेगा बिल्कुल ही लो रहेगा, जिससे कि हमारा जो क्रेप है वो अच्छे से पक जाए और एकदम ही क्रिस्पी बनेगा ये। इसके बाद मैं ऊपर से होममेड पीनट बटर स्प्रेड कर दूंगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं या फिर आप इसे घर पर भी बना सकते हैं। इसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल में अपलोड किया है तो आप जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट लेयर रहेगा बनाना का। और इस तरीके से मैंने रेडी करके रख लिया था बनाना को और ऊपर से मैं एक तरफ से इसे स्प्रेड करते जाऊंगी। देखिए बनाना को स्प्रेड अच्छे से कर देना है। आपका कोई भी फेवरेट फ्रूट है, अगर आप इसमें स्प्रेड करना चाहते हैं तो बेशक इसमें स्प्रेड कर सकते हैं। स्ट्रीट फूड की रेसिपी है, उसमें सिर्फ बनाना ही डालते हैं ऊपर से। इसके बाद मेरे पास चॉकलेट सिरप है, वो मैं ऊपर से ड्रिजल कर दूंगी और बहुत ही अच्छे तरीके से अच्छे अमाउंट में मैं इसे ड्रिजल करूंगी। इससे बहुत ही एक टेस्टी और यमी इसका फ्लेवर आ जाता है और इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है मैं क्या बताऊं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बच्चों की तो ये फेवरेट हो ही जाएगी। और इसे बच्चे क्या बड़े भी बहुत अच्छे से खाएंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये लगता है। इसके बाद मैं आपको मोड़ने का तरीका बताऊंगी। रैप करने का तरीका बहुत अलग है। सबसे पहले मैंने नीचे से इस तरीके से मोड़ा, उसके बाद देखिए राइट साइड से मोड़ा, उसके बाद मैं लेफ़्ट साइड से इस तरीके से मोड़ दूंगी। थोड़ा गर्म है ये तो आपको ध्यानपूर्वक करना है। देखिए हमारा रैप बनके रेडी हो गया है, बहुत ही ज़्यादा यम्मी और टेस्टी लगता है। इसी तरीके से हम बाकी रैप भी बना के रेडी कर लेंगे। देखिए नेक्स्ट भी मैं आपको दिखा रही हूँ। बैटर डालने के बाद पीनट बटर स्प्रेड कर लिया, नेक्स्ट ऊपर से बनाना मैंने इस तरीके से डाल दिया है और इसके बाद मैं चॉकलेट सिरप ऊपर से ड्रिजल कर दूंगी बहुत ही अच्छे अमाउंट में। और इसके बाद हम इसे रैप करेंगे। देखिए सबसे पहले नीचे से, इस सीक्वेंस को याद रखिए, नेक्स्ट राइट साइड से, गरम है तो ध्यान से करिए, उसके बाद लेफ्ट साइड से। और देखिए यम्मी और क्रिस्पी हमारा बनाना और चॉकलेट से बना हुआ क्रेप्स बनके रेडी है, बिल्कुल ही गर्मा गर्म है। इसे अपने बच्चों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को बना के दे। आप अगर कुछ अलग ट्राई करना चाहते हैं, समर वैकेशन आने वाला है बच्चों का, तो इससे उनको इम्प्रेस करिए, वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे। और
अगर आपको रेसिपी पसंद आई तो सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।